उतर बाबा पराई औरत को। मजा आया। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा एकदम न्यू स्टेटस है। अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो अपने इमेज को ऐड करके, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देख लेना, आप भी इजीली क्रिएट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोगों को एक ही प्रॉब्लम आता है कि XML फाइल हो गया या प्रोजेक्ट फाइल हो गया, वो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे, बोल देते हैं कि प्रोजेक्ट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, ऐसे ही बोल देते कि प्रोजेक्ट का लिंक जो है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, एक वीडियो मिलेगा हाउ टू डाउनलोड XML फाइल, उस वीडियो को देख के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं हर फाइल रोज़ चेक करता हूँ, एकदम ओके रहता है, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम होता है तो मैं मेंशन कर देता हूँ टेलीग्राम पे कि फाइल पे कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, जब भी प्रॉब्लम आता है मैं डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है और आप लोग ये बोल दोगे कि फाइल वर्क नहीं कर रहा है, तो ये तो खराब बात है कि नहीं, ये तो गलत है। ऐसा मत करो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वीडियो मिलेगा हाउ टू डाउनलोड XML फाइल, उस वीडियो को देख के आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि पहले डिस्क्रिप्शन पे जो वीडियो है वो देख लो, और इतना भी टफ नहीं है कि आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा ट्राई करो, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वीडियो देखो, उसके बाद कर सकते हो। ठीक है, सो फाइल को डाउनलोड कर लेना है, XML हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, जो भी आपको इंपोर्ट करना है एल एडमिशन में इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद एल एडमिशन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, जो आपका सिंपल से फाइल होगा उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कॉपी कर लेता हूँ, इस तरह से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, कॉपी इसलिए किया क्योंकि मैंने जो फाइल बनाया था ऑलरेडी वो इमेज वगैरह ऐड कर चुका था। ठीक है, तब देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप XML इंपोर्ट करोगे तो सेम होगा, बस ये जो सॉन्ग है ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि XML पे सॉन्ग नहीं रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पर ना इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो उस इमेज को आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर से प्लस इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे आके आना है। ठीक है, इस तरह से आप देखते हो लिरिक्स ऑलरेडी ऐड है, आपको आके आना है। ये जो लेयर है आप देख सकते हो, इस लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर पे जाना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल बिटमार्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीन डबल बिटमार्क दिखाई दे रहा है, यानी कि तीनों डबल बिटमार्क वाले लेयर पे सेम इमेज ऐड करना है। लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना है। तो इसी इमेज को आपको क्या करना है, बाकी दोनों लेयर्स पे भी ऐड करना है। ठीक है, डबल बिटमार्क दोनों लेयर्स पे भी ऐड करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये कुछ नहीं होता है, ये एकदम चेंज हो जाएगा, टेंशन मत लो, जब वीडियो एक्सपोर्ट करोगे तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो साइड में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहा है वीडियो के, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, टेंशन मत लो। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, जो लेयर्स है लेयर्स पर आपको बस इमेजेस को ऐड करना है, बस डबल बिटमार्क वाले जो लेयर है वहाँ पे आपको तीनों लेयर पे सेम इमेज ऐड करना है। जो भी इमेज आप ऐड करोगे ना, सेम इमेज को ऐड करना है। ठीक है गाइस, इस तरह से आप देख सकते हो, तो हमारा स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप देख लीजिए इमेज का एक्स्ट्रा पार्ट है आपको राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा है, या जब आप वीडियो एक्सपोर्ट करोगे तो भी डिलीट हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, नहीं तो एक बार बैक करके फाइल से निकल जाओगे तो ये चला जाएगा, टेंशन मत लो। तो हमारा स्टेटस जब वो कंप्लीट हो चुका है, एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, वीडियो को हाई रेजोल्यूशन करके नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।